दोस्तों, विवेक वास्तुविला में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेयरकेस की 3D डिज़ाइन में किस तरह से मटेरियल अप्लाई करते हैं उसको देखेंगे। ये स्टेयरकेस डिज़ाइन का आखिरी वीडियो है, सीरीज़ का आखिरी वीडियो है। तो इससे पहले वाले वीडियो देखो, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग का ये हार्डवेयर का ओपन होता है। इस तरह से हम लोगों ने पिछले वाले वीडियोज़ में हम लोगों ने देख लिया था कि जो भी हमारे पोर्शन थे उसको हम लोगों ने अप्लाई किया था यहाँ पर। ठीक है, जो भी पोर्शन था उसको हम लोग स्मूथ किया था। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरे पोर्शन को स्मूथ बना दिया था। अब इसके ये जो हमारा एज है सरफेस का, आप चाहते उसको भी कर सकते हैं। इसको हम लोग नोज़ कहते हैं, है ना, जो हम लोगों को लगता है उसको नोज़ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा शार्प एज होता है इसको हम लोग स्मूथ कर देते हैं, है ना। इसको हम लोग नोज़ करते हैं, जो हम लोग टाइल्स अप्लाई करते हैं, टाइल्स लगाते हैं तो आगे से थोड़ा सा वो आगे से निकला रहता है, उसको हम लोग नोज़ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारे जो भी हमारे स्टेयर के जो हमारा स्टेप है, राइजर और ट्रेड के कॉम्बिनेशन का जहाँ पे मिल रहा है ये जो एज, सब हम लोग क्या करते हैं, शार्प कर देते हैं। शार्प है तो सबको हम लोग यहाँ पे स्मूथ कर देंगे, है ना। वही सेम अप्लाई कर रहे हैं, है ना। इस तरह से सबको हम लोगों ने स्मूथ कर लिया है। ठीक है, सबको देख सकते हैं हम लोग, इस तरह से हम लोगों ने अप्लाई करके सबको स्मूथ कर लिया है। और फाइनली क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे मटेरियल अप्लाई करते हैं। तो मटेरियल के लिए हम लोग कमांड डालेंगे MAT, एंटर करेंगे और इस तरह से हम लोग यहाँ पे मटेरियल का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम लगता है, देखिए इस तरह से हमारा ये ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सा मटेरियल आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, है ना। इस वाले स्टेयर के जहाँ ट्रेड और राइज हमारा बना हुआ है, हम लोग कौन सा मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस पर हम लोग देख लेते हैं मटेरियल वुडन का अप्लाई करते हैं यहाँ पर। डिपेंडमेंट अप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि कौन सा यहाँ पर हम लोग को सूटेबल लगता है, है ना। चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और भी कोई अप्लाई करके देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखते हैं। तो ये भी सही लग रहा है, ये तो सिंगल कलर का हो गया। थोड़ा सा और नीचे आइए, ये तो सेमी कलर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। ब्लैक वाला देखते हैं वहाँ करके, ये ब्लैक वाला सही तो लग रहा है लेकिन इसका टेक्सचर सही नहीं आ रहा है। इसका तो उन्होंने पहले देख लिया था, इसका भी नहीं है। इसमें हम लोग वुडन का अप्लाई करके देखते हैं, ये भी सही है लेकिन दिनों में परफेक्ट नहीं आ रहा है। तो ये तो सिंगल कलर हो गया हमारा, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिलहाल हम यहाँ पे वुडन का लेकर चलते हैं, ये कुछ सही लग रहा है। चलिए ठीक है, इसी को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो हर एक को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप मैच प्रॉपर्टी को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे मैच प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार। तो वैसे आप देख लीजिए ड्रैग एंड ड्रॉप का मैच प्रॉपर्टी के लिए MATCH एंटर, जिस प्रॉपर्टी का अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर दिया तो फिर से लेना पड़ेगा। MATCH एंटर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आपका मटेरियल को अप्लाई करना ये ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, क्लिक करते जाइए देन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा जूम कीजिए। ठीक है, हल्का जूम कर लेते ताकि ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे मैं उनको डिस्टर्ब कर रहा था, इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ओवरलैप हो रहा है तो वहाँ पे आप इसको ऑन रखिएगा तो ये ज़्यादा डिटरमाइन कराएगा आपको किस पे आपको अप्लाई करना है ना। डिफ्रेंशिएट करके आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे हमारा ये हैंडल जो नीचे से फर्स्ट फ्लोर तक गया है उसको देखेंगे। ये वाला पोर्शन उस पर अप्लाई करते हैं, ये वाला ब्लू वाला अप्लाई कर देते हैं। ब्लू वाला ज़्यादा अच्छा था, चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं पहले ये अप्लाई करके देखते हैं। नहीं तो सेम ही कलर हो गया आपका, ये तो टाइल्स वाला कलर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और देखते हैं इसमें से, ये तो मटेरियल का हो गया है, मटेरियल में आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ पे मेन मोटिव हम लोगों का वो अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे तो ये तो सेम ही हो जाएगा फर्स्ट ईयर के केस का।
नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा तो नीचे आते हैं, ये वाला अप्लाई करके देखते हैं। इसमें सब एक ही कलर का हो जाता है, कोई इसमें इसको इसी को अप्लाई कर देते हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग मैच पर पटी लेते हैं, MATCH पी एंटर है ना, सेम पोर्शन को ले देंगे। एक मिनट इसके सर्कल है बॉटम में, सर्कल को रिमूव कर देते हैं है ना। फर्स्ट वाली वीडियो में देखिएगा हम लोग सर्कल बनाया था जब हम इसका नीचे का स्टेप बना रहे थे तब। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैच प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं और जो हमारा वर्टिकल रॉड है और उसका मटेरियल सब पे वही सेम अप्लाई करना है, सब पे बस क्लिक करते हैं। तो इस तरह से मटेरियल को अप्लाई करना मैच प्रॉपर्टी के यूज़ करके वो ज़्यादा आसान हो जाता है। हल्का सा और ये देखिए, आगे हमें परफेक्ट जगह है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और सुनो ऑफ कर देते हैं ताकि हम लोग आसानी से कर पाए इस पर अप्लाई। एक मिनट, ठीक है बाकियों पे भी अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, वो लैप था तब वो इशू करता है, अदरवाइज कोई इशू होता नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया अपना, ये हमारा बन चुका है ना। हैंडल में अपना अप्लाई कर दिया है, हैंडल में हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया इसके कलर को। ठीक है, क्लियर है अपना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे जो पोर्शन होगा हम लोग यहाँ पे उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे ग्लास के ना, ग्लास यहाँ पे एक ग्लास का वॉल लगा देते हैं, सिंपल सा। ठीक, ग्लास का एक वॉल लगा देते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, ताकि हम लोग यहाँ पे एक स्टेयर को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सिंपल सा एक स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है ना, स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल बनेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सिंपल से हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ये पोर्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है हम लोग को, चलिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग को जो चाहिए था पोर्शन हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है, तो सिंपल से यहाँ चलेंगे हम लोग रेक्टेंगल कमांड को यूज़ करते हैं यहाँ पे और अप्लाई। चलिए यहाँ पे सिंपल सा एक स्क्वायर यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, पोर्शन को यहाँ रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें, इसको रहने देते हैं, कोई लाइन हमारा तो है। ठीक है, रिमूव कर दीजिए। चलिए तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेते हैं, चलते हैं रेक्टेंगल कमांड को यूज़ करते हैं और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं सिंपल सा। उसके बाद फिर आगे की साइड में लोग यहाँ पे डिजाइन क्रिएट करके और उसमें ग्लास को मटेरियल को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से लेते हैं एक पोर्शन, क्लिक करते हैं और इसके लाते हैं अपोजिट वाले साइड में, फिर से यहाँ पे लेते हैं एक लाइन कमांड इसके इस वाले पोर्शन से और इसको पुट कर देते हैं इसके सेंटर पे। ये हमारा सेंटर पे आ गया। ठीक है, हमारे सिंपल सा एक लाइन बन चुका है, जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम लोग यहाँ पर करते हैं रिमूव। ठीक है, इस पर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं रीजन कमांड REG, एंटर करेंगे। ठीक है, हमारे बन चुका है, इसको सिलेक्ट कीजिए और एंटर कर दीजिए। इस तरह से हमारा यहाँ पे एक रीजन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, जिसमें हम लोग मटेरियल अप्लाई करेंगे ग्लास का, चलते हैं यहाँ पे हम लोग ग्लास के मटेरियल को अप्लाई करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को अप्लाई करके यहाँ पर चेक कर लेंगे हम लोगों की कौन सा यहाँ पर मटेरियल जो है हमारा ये थोड़ा इफेक्टिव लग रहा है हम लोगों का। दूसरा भी अप्लाई करके चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे पास मटेरियल है उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को यहाँ पे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेक कर लेते हैं कौन सा मटेरियल यहाँ पे हमारा सूटेबल हो पा रहा है और उसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे सिंपली। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पर उठाते हैं, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, हमारा ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है। क्लियर, इतना हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वॉल को बनाएंगे एक बार। यहाँ से थोड़ा सा चला गया है, थोड़ा सा इसको यहाँ पर रिमूव रोटेट करके यहाँ पर लाएंगे और इसको हम लोग चारों तरफ से एक बार रोटेट करके इसके चारों तरफ से देख लेते हैं कि हमारा ये बना वो प्लान। चलिए हम यहाँ पर, अब आ गया नेक्स्ट हमारा यहाँ पे वॉल बनाने का। तो यहाँ पे वॉल लेते हैं, वॉल का यहाँ पे हाइट है 20 फीट। ठीक है, ये फाइनली हमारा यहाँ 20 फीट का हो चुका है। तो यहाँ पे आने के बाद हमारा ये फर्स्ट फ्लोर भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये बन चुका है वॉल जो 20 फीट का था। ठीक है, चलिए तो अब इसी भी वॉल में हम लोग ग्लास अप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा इनर का जो भी पोर्शन है वो क्लियरली दिखे। थोड़ा सा
दूसरा क्लास अप्लाई करते हैं ताकि हम लोग को क्लियर दिखे। ब्लू कलर का कोई देखते हैं यहाँ पे हम लोग, तो ब्लू वाला में थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिवली दिखता है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ऐसे देखिए नीचे में मिल जाएगा आपको। हाँ ये वाला, ये ज़्यादा इफेक्टिव है आपका, तो इसमें हम लोग यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग को यह क्लास दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने वॉल नहीं बनाया था कि वॉल बना देने के बाद आपका अंदर का जो भी पोर्शन वो क्लियर दिखेगा नहीं, तो आप इजी विजुअलाइज नहीं कर पाइएगा। इसको फिलहाल अभी के लिए हम इसको यहाँ रिमूव कर देते हैं। चलिए फाइनली हम लोग का ये बन चुका है, इसको हर एक व्यू में जाकर देख लेते हैं। तो पूरा से इसको जूम कर लीजिए, देखिए वाले अगर व्यू से देखते हैं तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये हमारे स्टेप है एंट्रेंस का। अब चाहे तो नीचे का वॉल भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से वॉल को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और ये इसके नीचे वाले में दिख रहा है लाइन आपका, ये लाइन को रिमूव कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा 3D में कन्वर्ट हो चुका है, क्लियर है। चलिए तो इसको हर एक देखिए, सामने से फ्रंट से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा देखेगा। ये हमारा अप हो गया है, ऊपर से घूमने के बाद टर्न लेने के बाद ये हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे इजली पहुँचेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये बन चुका है पूरा पूरा। टॉप से देखेंगे तो हमारा ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, टॉप से देखने पर ऐसा दिखता है, और बॉटम से देखेंगे तो हम लोग को बस वही ठीक अपोजिट हो जाएगा और नीचे का पोर्शन दिखेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है लेफ्ट से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, लेफ्ट से देखने पर ऐसा दिखता है, और यहाँ चलेंगे राइट से देखेंगे तो राइट से ऐसा दिखेगा। ठीक है, फ्रंट से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, जो हमारा एलिवेशन का जो पोर्शन था वही सेम पोर्शन यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। और बॉटम से है सॉरी बैक से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, SW आइसोमेट्रिक से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर हम लोग देखते हैं साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, क्लियर है। फिर यहाँ पर जाते हैं नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, क्लियर है। और व्यू में देखते हैं 2D वायर फ्रेम में तो ऐसा है। ठीक, कॉन्सेप्चुअल में ऐसा दिखेगा, क्लियर। वैसे रोटेट करके देख लीजिए, कॉन्सेप्चुअल में ऐसा दिखता है। सारे मटेरियल आपके यहाँ पे प्रॉपर्टीज ख़त्म हो जाते हैं। हेडन में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, है ना, ये हेडन का है, जो भी पोर्शन आपको दिख रहा है उसी का ये पोर्शन दिखाएगा। रियलिस्टिक में तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। शेडेड में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, है ना, जो इसमें हम लोगों ने वुडन का जो मटेरियल इसमें अप्लाई होता है वो सारे के सारे ग्रीन हो जाते हैं। ठीक है, और ये आपका शेडेड ए विथ एज में ऐसा दिखेगा, ग्रे कलर में तो सारा ग्रे ही हो जाएगा, कोई मटेरियल इसमें दिखेगा नहीं। कॉन्सेप्चुअल में वैसे ही होता है, मटेरियल दिखता नहीं है। ये हो गया स्केची में, स्केची में आपका स्केच करके जैसे हम लोग बनाते हैं पेंसिल से वैसा हो जाता है। ये आपका हो गया 2D वायर फ्रेम ऐसा दिखेगा, और देखते हैं एक्सरे में, तो एक्सरे में कुछ इस तरह से दिखता है। मटेरियल का तो दिखेगा ही, लेकिन उसके अंदर में भी क्या क्या आपका है मटेरियल अप्लाई हुआ है सॉलिड में, वो भी यहाँ पे शो होगा। अगर ऐसा है तो वापस वो रियलिस्टिक में करते हैं, देख लीजिए करते हैं हमारा ये। ठीक है, क्लियर है। तो इसके पोर्शन को हटा दिए हैं वॉल को, और अब यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं एक बार, इसका रेंडर करके देखते हैं। रेंडर यानी कि इसके कफ जो हमारा फोटो है, जो उसका पिक जो होगा इमेज प्रिंट करके इसको देना हो 3D में ऑटो कैड का, तो वो कैसे दे सकते हैं, तो रेंडर करके दे सकते हैं। तो रेंडर यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, रेंडर हमारा हो गया अप्लाई। इसका भी हमें आपको एक वीडियो बना कर दे देंगे कि तो रेंडर कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे देख लीजिए इसको, रेंडर कर दिए इसको। तो रेंडर इसका इफेक्टिव नहीं आता जैसे आपका रैबिट और ऑटो कैड उसका आता है 3D मैक्स का, है ना, उसका उतना इफेक्टिवली इसका नहीं है। देखिए, है ना, बहुत कुछ इसमें मिस हो जाता है, तो ये आपका इफेक्टिव नहीं है। इसमें अपने अकॉर्डिंग जूम करके इसमें आप अप्लाई कर लीजिए जिस कैसा आपको चाहिए, और उसको यहाँ से प्रिंट निकाल के क्लाइंट को दे दीजिए। तो ये इतना हो चुका है, अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, है ना। अभी कंट्रोल प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस पी करके प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए इस तरह से पोर्शन हम लोग देख लिया, अब कोई इसी का हमको प्रिंट चाहिए ये सेम व्यू का, तो कंट्रोल पी कर लीजिए, और यहाँ पे जाने के बाद PDF में देख लेते हैं, PDF में कर लेते हैं इसको, और जो भी पेपर साइज चाहिए यहाँ पेपर साइज चूज़ कर लीजिए,
ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले की जगह विंडो यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ विंडो यूज़ कर लेते हैं। और जितना का चाहिए आपको उतना का सर से एक मिनट उसको एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा ये थोड़ा सा ओपन है, एडजस्ट हो गया, क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे वापस से आपका वही प्रिंट का विंडो खुलेगा, सेंटर कर लीजिए इसको, प्रीव्यू करके चेक कर लीजिए कि कुछ इस तरह से आपका ये बनेगा, प्रिंट आपका कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा होता है, इसको यहाँ पर करते हैं, इसको करते हैं स्केप, यहाँ जाने का जो है नहीं, इसको हम डिटेल में बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, प्रिंट वाले वीडियो में। तो ग्रे में भी निकालना चाहे तो ग्रे में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको वैसे ही रहेगा, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको मटेरियल अप्लाई किया है, फिर स्केप करते इसको कट करते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करना रह गया, तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस कीजिए, जो फाइल का नाम डालिए, फाइल का नाम डाल दीजिए, जहाँ आपको सेव करना है लोकेशन पुट कर दीजिए। मैंने डेस्कटॉप किया है तो डेस्कटॉप पे मेरा सेव हो जाएगा, और जो भी इसका नाम डालना है यहाँ पर नाम डाल दीजिए। ठीक है, यस कर दीजिए, हो गया हमारा पुट। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट अस, थैंक यू।